मैडम गाड़ी खराब हो गई है। तो तुम किस मर्ज की दवा हो, गाड़ी खराब हो गई, जल्दी से गाड़ी ठीक करो। गाड़ी ठीक करना तो मैकेनिक का काम है, मैं तो सिर्फ ड्राइवर हूँ, ड्राइवर। इससे अच्छा था तुम किसी गधा गाड़ी के ड्राइवर होते, मैं होटल जाते ही तुम्हारी छुट्टी कर दूंगी। अच्छा तो फिर मैडम मैं कोई बंदोबस्त करता हूँ। मरना है तो कहीं और जाके मर, मेरे गले क्यों पड़ रहा है? हाँ भाई। ए मिस्टर, ये मेरा ड्राइवर है, आपका मुलाजिम नहीं। परेशानी देखकर लगता है कि शायद आपकी गाड़ी खराब हो गई है। जी हाँ। तो मैं गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कहाँ जा रही हैं? जी वो 3-स्टार होटल। ओह, 3-स्टार होटल। जी जी, वहाँ हमारा स्टेशन का सारा स्टाफ पहुँच चुका होगा और डायरेक्टर साहब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। गाड़ी भी आज ही खराब होनी थी। आप फिक्र मत कीजिए, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको ड्रॉप कर दूं। लेकिन आपका टाइम वेस्ट होगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आइए ना, आइए। थैंक यू ड्राइवर, तुम फटाफट गाड़ी ठीक करवा कर होटल पहुंचो। बैठिए। थैंक यू। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? जी मेरा नाम कोमल है। वेरी नाइस नेम। कहीं आप चीमा के लिए तो काम नहीं करती? जी मैं चीमा के स्टेज शोज करती हूँ। आज मेरा शाम को स्टेज शो है, प्लीज आप जरूर आइएगा। आप बुलाएं और हम ना आए, ये कैसे हो सकता है? थैंक यू। हेलो, हाय। इतनी देर कहाँ लगा दी कोमल? मैं तो परेशान ही हो गया था। मत पूछो चीमा, क्या आज हमारा सफर कैसे कटा? सफर तो कट ही जाया करता है।
अगर हम सफर साथ हो तो। क्या मतलब? बहुत प्यारे लगते हैं वो लोग मुझे, जो चीमा की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। मेरा मतलब है, जिस शख्स के साथ तुम आई हो मेरा क्लास फेलो था और इस शहर का अमीर तरीन बिजनेसमैन और तुम्हारे हसीन सपनों की ताबीर। मेरे सपनों की ताबीर? हाँ, ताबीर उसकी ये है कि अगर वो तुम्हारे शो में आ गया तो तुम उसकी दौलत की सीढ़ी से अपने फन की बुलंदियों को छू सकती हो। कौमिल, तुम उस पर अपने हुसन के जलवों और अपनी आवाज का ऐसा जादू जगाओ कि सागर की जवानी रुक जाए, मौजों की तुहयानी रुक जाए, दिलों की धड़कने बंद हो जाए, कोयल की कूक रुक जाए। उसे अपनी कला में ऐसा चूर चूर कर दो कि उठते बैठते जागते सोते खाते पीते उसकी जुबां पर सिर्फ एक ही नाम हो, कौमिल। हाय कौमिल। मैं एक हिट डायरेक्टर हूं, मैं तुम्हें वक्त की सुपरस्टार ना बना दूं तो मेरा नाम चीमा नहीं। तुम फिक्र ना करो चीमा, मैं उस पर अपनी अताओं का ऐसा जादू जगाऊंगी कि वो मेरा दीवाना हो जाएगा। शाहरोज बेटा। जी जी मम्मी। कभी आराम भी कर लिया करो, रात दिन काम करने से सेहत खराब हो जाती है। वैसे भी मैं चाहती हूँ कि तू जल्दी से शादी कर ले ताकि मैं भी तेरी खुशियां देख सकूं। अच्छा मम्मी, पहले ये बताएं कि हिना कॉलेज से वापस आई कि नहीं। अरे वो तो कब की तेरा इंतजार कर रही होगी। आपकी गाड़ी नहीं पहुंची, अगर आप बुरा ना माने तो मेरी मोटरसाइकिल हाजिर है। थैंक यू, मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है, अब आप जा सकते हैं। इतनी नाराजगी अच्छी नहीं है ना, मैं इतना बुरा नहीं जितना तुम मुझे समझती हो। अरे एक बार खिदमत का मौका तो दो, अच्छे और बुरे का हो जाएगा। क्या बात है ना, अभी तक घर नहीं गई? गाड़ी का इंतजार कर रही हूँ। हो सकता है तुम्हारे भाई किसी काम से चले गए हो, अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरी पिजारो हाजिर है। हाँ क्यों नहीं, आज ऐसे ही सही।
बेगम साहिबा, मैंने उसको नौकरी से निकाल दिया, वो सब्जी में से पैसे बचाता था। वो झूठ बोलता है। अरे चुप कर भिंडी तोरी, तुम हो गया तोरी। मम्मी मम्मी, भैया मुझे कॉलेज से लेने क्यों नहीं आए? उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है। साहेब भैया। अरे भाई, इतनी खफा क्यों होती हो? तेरे भैया घर लेट आए थे। ऐसे भी 500 रुपया थी कि मुझे कॉलेज से लाने भूल गए। बेटी, तुम तो जानती हो तेरे भैया अकेले हैं और सारे कामों का बोझ उस अकेले पर होता है। अच्छा गुस्सा छोड़ो, तुम चेंज करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। आज छोटी बीवी बड़ी गर्म है। ये हंडिया में गर्म मसाला ज्यादा डालता है। और तू चुप कर जा सड़ी मिर्च। चुप करो और जाकर खाना लगाओ। अच्छा जी, तुम भी जाओ। कहती है दीवाने लाखों, मैं किसको दिल।
गवाही दे रहा था कि आप जरूर आएंगे। तशरीफ रखिए ना प्लीज। थैंक यू। और सुनाइए क्या हाल है आपका? क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है? हाँ किया तो है। कौन है वो खुशनसीब? खूबसूरत हसीन चेहरा, रसीले होठ, नीली आंखें और स्याह काली जुल्फें। मगर वो है कौन? मेरे ख्वाबों की ताबीर मेरी आंखों के सामने है और वो तुम हो कोमल, तुम हो। कर लिया। मैं तो एक शो पीस हूं जिस पर न जाने कितने चाहने वालों की नजरें लगी होंगी। मगर मैं तुम्हें उन नजरों से बचाकर कोमल, मैं अपने दिल के आईने में सजाना चाहता हूं तुम्हें। लेकिन अगर आपके घर वाले ना माने तो? उनको मनाना मेरा काम है कोमल, मगर तुम्हारे मेरा अपना तो इस दुनिया में कोई नहीं है। मां बाप का साया उठने के बाद इस सुंदर जमाने के हाथों बहुत जख्म खाए मैंने। कोमल, तुम्हारे उन जख्मों पे मरहम मैं रखूंगा, मैं करूंगा तुमसे शादी। हाँ सच कोमल, सच। मम्मी, मम्मी आ गए बेटा? जी आ गया मम्मी, बैठिए। देखिए मम्मी, आप मुझे हर बार तंग करती रहती हैं कि शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले। आपसे मैं बहुत जरूरी बात करने आया। लगता है फिर कोई उल्टी सीधी बात करेगा। उल्टी नहीं बल्कि सीधी बात करने आया। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने आपके लिए जान से बहू ढूंढ ली है। बहू ढूंढ ली है? अरे पगले, जल्दी से बता वो लड़की है कौन और उसका खानदान कैसा है। देखिए मम्मी, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन मैं इतना यकीन से कह सकता हूँ आपको कि उस घर को चार चांद लगा देगी। अच्छा भैया, हमने बताए बगैर ही भाभी ढूंढी है। वो क्या है कि तुम लोग भाई घर में अकेले थे ना, मैंने सोचा इस घर में थोड़ी सी रौनक आ जाए। और वैसे भी तुझे एक अच्छी सी सहेली चाहिए ना, चाहिए ना? अच्छा, धंधा हमारा और बंदूक आपकी। अच्छा भाई, ये बहस छोड़ो। हाँ बेटा, तेरी खुशी से हमारी खुशी है तो ठीक है भैया। चट मंगली ते पट व्या। मुबारक हो, मुबारक हो। ये गल तू अखा खोल लई ने।
इस हसीन चेहरे को अगर फूल से तशबीह दूं तो ये तुम्हारे हुस्न की तोहीन हो जाएगी। अगर चांद कहूं तो उसमें भी दाग है। दिल चाहता है कि यह हंसी रात कभी खत्म ना हो, ताकि तुम्हारी जुल्फों के छांव तले मेरी जिंदगी बसर हो जाए। आई लव यू कोमल, आई लव यू। चलो जाकर शाहरुख से बोलो कि नीचे आए, हम इंतजार कर रहे हैं नाश्ते पर, बहू को लेकर आए। बेगम साहिबा, नई नई शादी हुई है, उन्हें 10-15 दिन कमरे में रहने दें, बाद में उन्होंने आपकी झिड़के तो सुननी है। तुम अपनी बकबक बंद करो, लो वो आ गए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। आदाब। गुड मॉर्निंग। कैसी हो बेटी? जी ठीक हूँ। चलो नाश्ता करो। हिना कैसी हो तुम? आप अपनी सुनाइए भैया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस चाल थोड़ी सी टेढ़ी है। मम्मी ये हिना हर वक्त मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है, आप इसे समझाती क्यों नहीं? अरे भाई ये तुम्हारा बहन भाई का मामला है, मैं कुछ नहीं कह सकती। ये तो आप ठीक कह रही हैं। मम्मी अगर आप इजाजत दें तो मैं कोमल को लेकर हनीमून पे चला जाऊं। अरे क्यों नहीं, जरूर जाओ बेटा। थैंक यू वेरी मच मम्मी, थैंक यू। हेलो जी, ड्राइवर को कहो हिना को फौरन कॉलेज छोड़ाए। अच्छा जी। अच्छा तो अब आपके पास हमारे लिए थोड़ा सा वक्त भी नहीं, कोई जरूरत नहीं ड्राइवर की, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे हिना मम्मी ये तो नाराज हो गई। कोई बात नहीं बेटा, मैं उसे खुद समझा लूंगी। मना लीजिएगा, आपको पता है कितनी लाडली है। हाँ कल्लू वल्लू जाओ हमारा सामान पैक करो। ओके सर। इतनी जोर से नहीं बेटा, उमल का ख्याल रखना। आप फिक्र मत कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, हम दोनों जल्द वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। जीती रहो। ड्रामे का पहला सीन तो जरूर पसंद आया होगा मिस हिना। जिस ड्रामे का पहला सीन ऐसा हो उसका अख्ताम कितना खौफनाक होगा। कुत्ता के भौंकने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आइंदा ऐसी हरकत की तो उसका जवाब इससे भी बुरा होगा। जानवर कभी कभी कुत्ते काट भी लेते हैं। और ऐसे कुत्तों को काबू करना मुझे अच्छी तरह आता है। तुम्हारी शिकायतें मुझे मिलती थी, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि तुम इतने भी गिर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें कॉलेज से रेस्टिगेट करता हूं, ताकि कॉलेज की पास सजा तुम्हारे गंदे किरदार से अलूदा ना हो जाए। यू गेट आउट फ्रॉम हियर। ये हनी कौन है? हनी मेरा क्लास फेलो है और वो हीरा के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। हीरा एक अमीरजादी है और मैं उसे अपनी मोहब्बत के चाल में फंसाना चाहता हूँ। अमीरजादी? चीमा का भाई होकर
इतनी जल्दी परेशान हो गया? हिना भी मिल जाएगी और दौलत भी। मेरा हुक्म है अपने रास्ते के सारे कांटे साफ कर दो, दौलत की खातिर जो कुछ भी करना पड़े कर डालो। मेरी बात गौर से सुनो बुढ़िया, अगर तुम्हारे बेटे ने हिना का पीछा ना छोड़ा तो इस घर के वीराने की तरह तेरी गोद भी वीरान कर दूंगा। सब कुछ किसने किया है? बेटा ये राजू कौन है और तुम्हारा उससे क्या झगड़ा है? हाँ, उस दरिंदे ने हिना की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी। हिना कौन है? हिना मेरी क्लास फेलो है माँ। इन हाथों की तरह देखो बेटा, मेहनत मजदूरी करते करते ये बूढ़े हो चुके हैं। बरसों के खून पसीने से मैंने ये चिराग रोशन किया है, अब इसे गुल नहीं होने दूंगी। ठीक है माँ, लेकिन मैं हिना की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो यहां से कूदकर मैं भी अपनी जान दे देता। अच्छा रूप, तुम उससे इतनी मोहब्बत करते हो? हाँ कोमल, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूं कि तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये देखो, मेरे दिल की एक एक धड़कन मेरी मोहब्बत की सच्ची गवाही दे रही है। ये तो कुछ और कह रही है। क्या मतलब? झूठ बोलते हो तुम। अरे ओ, सुनो तो, दिल 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 तेरा आशिक हुआ, दीवाना पागल हुआ। देखो जरा तेरा आशिक हुआ, दीवाना पागल हुआ। कटेगा ना ये दिन, तुम बिन कटेंगी ना रातें। तुम बिन कटेगा ना ये दिन, तुम बिन कटेंगी ना रातें। ला 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 ला, ऐसी फजा में मेरी जा, कर ले मोहब्बत की बातें। आजा मेरी बाहों में, कहता है
दिल तेरा आशिक हुआ, दीवाना पागल हुआ। तुम हो मेरी जिंदगानी, तुमसे है दिल की ये दुनिया। तुम हो मेरी जिंदगानी, तुमसे है दिल की ये दुनिया। ला 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 ला, एक गीत हो तुम खुशी का, तुमसे सजी हर तमन्ना। हम तो बदन एक जा होंगे कभी ना जुदा। दिल 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 तेरा आशिक हुआ, दीवाना पागल हुआ। बहुत थक गई हो कोमल। कहाँ खो गए शाहरुख? अपने ख्वाबों की ताबीर देख रहा हूं कोमल। एक ख्वाब मैंने भी देखा था, लेकिन लेकिन क्या बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? कोमल, मैं तुम्हारे हर ख्वाब की ताबीर हूं। सुपरस्टार बनने का ख्वाब, मैं फिल्म दुनिया में अपना नाम पता करना चाहती हूँ शाहरुख। मुझे उम्मीद है तुम मेरा ये ख्वाब जरूर पूरा करोगे। ये क्या कह रही हो तुम? ये कैसा मजाक है कोमल? ये मजाक नहीं, हकीकत है शहरोज। अगर ये हकीकत है तो फिर मेरी बात भी गौर से सुनो कोमल। अब तुम मेरी बीवी हो और जिंदगी भर में अपनी बीवी को फिल्मों में काम करने की इजाजत नहीं दे सकता, कभी नहीं दे सकता। कैसे भी मेरा रास्ता रोकने की बहुत नाज है तुझे अपने इस हुस्न पर। आज मैं ये तुम्हारा घमंड तोड़ कर रहूंगा। मेरा रास्ता छोड़ दो, तुम्हारी भला इसी में है। मैं रास्ता छोड़ने नहीं, नाता छोड़ने आया हूँ। आज तुम्हें मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकेगा। लगता है तुम शराफत की जबान नहीं समझते। ये हाथ उठावला मेरी तरफ, आज इस खूबसूरत हाथ में कंगन पहनाकर मैं तुझे अपनी दुल्हन बनाऊंगा। तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ ख्वाब देखते रह जाते हैं। ख्वाब? मैं आज हकीकत में तुझे अपनी दुल्हन बनाकर अपने इस दिल के सारे अरमान पूरे करूंगा। चलो चलो, मुझे छोड़ो। बैठो गाड़ी में, छोड़ दो मुझे। जानी मन Ha!
आओ मैं तुम्हें घर छोड़ो। ना वो मेरी इज्जत का माफी से मम्मी, आज अगर हमें ना होता तो आपकी बेटी आपके सामने जिंदा नहीं, एक सिंगल लाश की सूरत में सामने आती। हमें अपनी जान पर खेलकर मेरी इज्जत बचाई है। तुमने मेरी बेटी की इज्जत बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है बेटा। ये मेरा फर्ज था और मेरी इज्जत का सवाल भी। लगता है तुम्हारी रगों में किसी गैरतमंद बाप का खून दौड़ रहा है बेटा। अभी जगह चाहूंगा। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ठहरो, ये हनी है कौन? हनी मेरा क्लास फेलो है और गुर्बत के दलदल में खिला हुआ एक फूल। अफसोस कि मैं तुम्हारी इस खामोशी को तुम्हारी मोहब्बत की नाकामी समझूं या अपने बाप के खून पर शक करूं। नहीं भैया नहीं, ना तो मुझे शेरनी ने घायल किया है और ना ही मेरे बाप के खून में मिलावट है। मैं उस शिकारी का भाई हूं जिसके हाथ से कभी कोई शिकार बच के नहीं जा सका। मैं इसकी बाजी कभी नहीं हारूंगा, कभी नहीं हारूंगा। इश्क की बाजी वो लोग जीतते हैं जिनकी आंख में चैन का तजस्सुस, सीने में चीते का दिल, हवाओं का रुख मोड़ने का हौसला, पहाड़ों से टकराने की जुर्रत हो। वो कंद का छोकरा तुम्हारे ही खून से ईंटें लगा लगा कर उसके दिल में अपनी मोहब्बत का महल बुलंद किए जा रहा है। जानता हूं मैं, जानता हूं ये काम तुम्हारे बस का नहीं। जानते हो तुम बहुत प्यारे लगते हैं वो लोग मुझे जो चीमा की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। गुड हिना, तुम्हारे पेपर कैसे हुए? ठीक हुआ, हमसे इतना वजन नहीं उठाया जाता तो फिर पेपर भी खत्म हो गए हैं। तो अब क्या होगा? अब डिग्रियां लेकर क्रोड खेलेंगे। पेपर तो खत्म होगी, अब कुछ हल्ला गुल्ला होना चाहिए। तो फिर ठीक है, कल हम पिकनिक पर जाएंगे। I'm
ये है फुलझड़ी, हाय कर गई मुझको दीवाना, हाय लड़की नहीं ये है फुलझड़ी, ए कर गई मुझको दीवाना, तीर नजर से ऐसा चलाया खुद से हुआ बेगाना, उसकी अदाओं ने घायल किया, हाय 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 उसकी अदाओं ने घायल किया, जादू भरी थी हर उसकी अदा, मुझको ससुर जी माफ करना, होना था जो ना वही हो गया, सुनो ना। हेलो, कैसी हो बेटी? जी ठीक हूँ मामी। शहरोज कैसा है? जी शहरोज भी ठीक है जी, ये बात कर ले। हेलो मामी, कैसे हो बेटा? बेटा तेरे बगैर घर सूना सूना सा है, जल्दी से वापस आ जाओ। हाँ हाँ मम्मी हम आ रहे, मेरा मतलब हम बहुत जल्द आपके पास होंगे। हाँ अपनी हिना कैसी मम्मी? हिना बिल्कुल ठीक है बेटा। ओके मम्मी हम बहुत जल्द आ रहे हैं, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मम्मी जान, पिछले साल की निस्बत इस साल की फैक्ट्री की आमदनी में आपको पता है 2 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। वेरी गुड मम्मी। देखो मम्मी, हनी ने बोर्ड में टॉप किया है। वेरी गुड भाई। इना, ये हनी कौन है भाई? बेटा मैं उसे मिल चुकी हूँ, हनी एक मेहनती और खुददार लड़का है। भैया आप हनी को फैक्ट्री में जॉब दे दिए? ठीक है, तुम उसे मेरे पास ऑफिस भेजो, मैं उसे नौकरी दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच। मे आई कम इन सर? यस कम इन। सर मैं
नौकरी के सिलसिले में हाजिर हुआ हूं और ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। तशरीफ रखिए। थैंक यू। आपकी ज़हानत और खुददारी के बारे में मैं पहले भी सुन चुका हूं। आपकी काबिलियत को मद्देनजर रखते हुए मैं आज से आपको अपनी फैक्ट्री में मैनेजर अपॉइंट करता हूं। जी बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम। रीटा अंदर आइए। जी सर। देखो रीटा, फौरी तौर पे इनके अपॉइंटमेंट के ऑर्डर जारी करवा दो और अपनी फैक्ट्री की रेजिडेंस में इनके रहने का इंतजाम करवा दो। यह है इनकी फाइल। ठीक है सर। अच्छा सर, अब मैं जाना चाहूंगा। यू वेलकम। थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट। माँ 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 माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ माँ। लगता है तुम्हें नौकरी मिल गई। हाँ माँ, मुझे मैनेजर की नौकरी मिल गई है और कल सब नए घर में भी शिफ्ट होंगे। सच बेटा? हाथी मेरे साथी चुप करके दबाता चल, हाथी मेरे साथी चुप करके दबाता चल। अबे हंडिया में भी चमचा फेरता है और यहाँ भी चमचा गिरी कर रहा है। चुप कर, मुंह वेख जो खुश्क बांध रही हूं। अबे ओ, चुप करके दबा। भैया भैया भैया, क्या हुआ भाई? वो भाभी की तबीयत बहुत खराब है। सुन कल्लू, ड्राइवर से बोलो गाड़ी बाहर निकाल। अच्छा जी, जल्दी। बेटा, तुम्हारी कोमल शार उसके बच्ची की मां भी बन गई है। लगता है तुम यूं ही हाथ मलते रह जाओगे। मां बन गई है। बहुत प्यारे लगते हैं वो लोग मुझे जो चीमा की आंखों में आंखें डाल कर बात करते हैं। छोटी मालकन, वो चीमा साहब आए। चीमा? जाओ अंदर लेकर आओ। जी छोटी मालकन। आए आए आए। कैसी हो कौमिल? ठीक हूँ। शारोज कहाँ है? वो घर पर नहीं है। तुम किस लिए आए हो? तुमने जो हसीन सपने देखे थे उनकी ताबीर का पैगाम लेकर आया। बैठने के लिए नहीं कहोगी? सॉरी, बैठो। कल्लू, साहब के लिए चाय लेकर आओ। जी छोटी मालकन, अभी चाय लेकर आए। अब कहो जीमा, किस लिए आए हो? कौमिल, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया। मैंने चीमा प्रोडक्शन के बैनर तले एक फिल्म बनाना शुरू कर दी है।
यार परेशानी इस बात की है कि उस फिल्म को मुकम्मल करने के लिए बहुत से सरमाए की जरूरत है और उस परेशानी का हल सिर्फ तुम हो। यार मैंने एक ऐसी कहानी लिखवाई है, मत पूछो मेरे बादशाह। जब रोल करोगी ना सुपरस्टार की दौड़ में सबसे आगे निकल जाओगे और फिर तुम्हारे नाम और शोहरत की रोशनी से पूरा पाको हिंद रोशन हो जाएगा मेरे बादशाह। हाँ वो तो सब ठीक है जी मां, लेकिन शहरोज अब मुझे फिल्मों में काम करने की इजाजत नहीं देगा। कौमिल कितनी बदनसीब है ये मछली, तो इस चार दीवारी में बंद है, कभी ये भी दरियाओं समुद्रों का जिक्र चीरती हुई अपनी मंजिल तक पहुंचती होगी। कौमिल ये ढलती हुई जवानी उस शाम की तरह होती है, जब ये ढल जाए तो उसकी सहर नहीं होती। अभी तुम हंसी हो, जवां हो, अपने फन को पर्दा स्क्रीन पर लाकर आसमान की बुलंदियों को छू सकती हो। अगर ये वक्त गवा बैठी तो ये गुजरा हुआ वक्त लौट कर वापस नहीं आएगा। जब तुम आईने में अपना चेहरा देखोगी ना, वही आईना तुम्हारी बेबसी का मजाक उड़ाएगा। कुछ डायरेक्टर का भी तजुर्बा होता है, फिर इस चार दीवारी में तुम्हारा दम घुटने लगेगा, दिल की सारी हसरते दम तोड़ने लगेंगी मेरे बादशाह। नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं अपने दिल की हसरतें जरूर पूरी करूंगी। शहरोज को मेरे फैसले के आगे झुकना ही पड़ेगा। वो वक्त कभी नहीं आएगा। ओमल अपने मेहमान को ये बता दो कि ये घर है, किसी नाचने वाली का कोठा नहीं। अगर आज के बाद ये इस घर में नजर आया तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं जा रहा हूं शारोज, मैं जा रहा हूं, लेकिन ये तेरी मेहमान नवाजी हमेशा के लिए याद रखूंगा। बहुत प्यारे लगते हैं वो लोग मुझे जो चीमा की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। आई से गेट आउट, निपट लूंगा मेरे बादशाह। ये तुमने अच्छा नहीं किया शहरोज, वो मेरा मेहमान था। देखो कोमल, तुम इस घर की इज्जत हो, मेरे जीने का मकसद हो, और मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं कि कोई मेरी जिंदगी खुशियों को बर्बाद कर दे। कोमल कोमल वो इस घर का दुश्मन है, दुश्मन। वो मेरा मोहसिन है। लेकिन मैं तुम्हारा शौहर हूं। लेकिन मैं अपने फन को रिश्तों पर कुर्बान नहीं कर सकती। आखिर आखिर मेरी भी कुछ ख्वाहिशात हैं। कोमल क्या बुराई है फिल्मों में काम करने में? बुराई है, और जिंदगी भर मैं तुम्हें फिल्मों में काम करने की इजाजत नहीं दे सकता, समझे? आखिर तुम मुझे चार दीवारी में कैद करके क्यों रखना चाहते हो? ये घर नहीं कैदखाना है। कैदखाना? कैदखाना? इस घर को तुम कैदखाना बोल रही हो? जहां तुम्हें मां का प्यार मिला, बहन की मोहब्बत मिली, औलाद मिली, इज्जत दौलत मिली, इससे बढ़कर एक औरत की क्या ख्वाहिश हो सकती है? ख्वाहिश है? मैं अपने फन की कुर्बानी के बदले में इज्जत दौलत औलाद अपनी झोली में डाल के जिंदगी नहीं गुजार सकती। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते शहरोज? मुझे वो इज्जत वो शौहरत चाहिए जिसकी जिसकी पहचान सिर्फ मेरे नाम से हो, ना कि मेरे शौहर के नाम से। कोमल औरत का असल मुकाम उसके घर की चार दीवारी होती है, और उसकी इज्जत और पहचान उसके शौहर के नाम से होती है। शौहर तो क्या, आज कोई भी रिश्ते की दीवार मेरा रास्ता नहीं रोक सकेगी। कोमल
तूने क्या किया बेटा? मां, मां उसे शोहरत चाहिए, शोहरत, शोहर नहीं। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं हुआ मेरी बहन, कुछ नहीं हुआ। बस मैं बर्बाद हो गया, न जाने इस घर की खुशियों को किसकी नजर लग गई है। या अल्लाह, रहम कर, आमीन। कहाँ जा रही हूँ? मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, मम्मी को भी साथ लेकर जाऊंगी। देखो कोमल, मुन्नी मेरी बेटी है, इस घर की इज्जत है, और जिस फरेब के माहौल में तुम उसे ले जाना चाह रही हो, उस फरेब के माहौल की एक परछाई भी मैं उसके ऊपर नहीं पड़ने दूंगा, समझी तुम? वो मेरी बेटी है और वो मेरे बगैर नहीं रह सकती। वो तुम्हारे बगैर रह सकती है, रह सकती है। रुक जाओ भाभी, रुक जाओ। जिस घर में इंसानों के साथ जानवर जैसा सलूक किया जाता हो, वहां मैं एक पल भी नहीं रुक सकती। नहीं भाभी नहीं, आप हमें छोड़कर मत जाओ। अगर भैया ने आपको सबसे ज्यादा की है तो उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। मैं अब तुम्हारे भाई के साथ नहीं रह सकती। बेटी, इस घर को छोड़कर मत जाओ। घर छोड़कर जाने वाली औरतों को ना माशरा कबूल करता है और ना ही छोड़ा हुआ घर। अगर तुम हमसे रूट कर चली गई तो इस घर की खुशियां भी हमसे रूट जाएंगी। बेटी, बेटा, रोक लो इसे, मना लो इसे। मैं रुकने वाली नहीं, मैं जा रही हूं। रुक जाओ बेटी। एक माँ इस घर की खुशियों के लिए तुम्हारे कदमों तले अपनी इज्जत रखती है। चाहो तो इस चादर से माँ का सर ढांप दो, या फिर इस घर की इज्जत को रोकते हुए गुजर जाओ। ढलती हुई जवानी उस शाम की तरह होती है जब ढल जाए उसकी सहर नहीं होती। तुम अभी हसीन हो, जवां हो, अपने फन से आसमान की बुलंदियों को छू सकती हो। गुजरा हुआ वक्त लौट कर वापस नहीं आता, नहीं आता। शारोस, अगर मैंने तुझे दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर ना कर दिया तो मेरा नाम चीमा नहीं। मुझे यकीन था कोमिल कि तुम जरूर आओगी। तुम्हारी ये खामोशी तुम्हारी नाकामी का वाज़ह सबूत है। अगर चिमा, मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ गई हूं। खाली हाथ क्यों आई हो मेरे पास? अरे जिस शौक के लिए तूने अपना घर बार छोड़ा मेरे बादशाह, ये शौक दौलत के बगैर पूरा होने वाला नहीं है। मैं खाली हाथ नहीं आई हूं चीमा। इस वक्त मेरे अकाउंट में 50 लाख रुपए जमा है, जो शहरोज ने शादी के फौरन बाद मेरे अकाउंट में जमा करा दिए थे, और इसे मैं जिस वक्त चाहूं बैंक से निकलवा सकती हूं। कोमिल, मैं एक डायरेक्टर हूं, मैं तुम्हें ऐसे एंगल से पिक्चराइज करूंगा। ये जो तेरा चेहरा है ना, ये चंदे मेहताब की तरह चमकेगा। तुम सुपरस्टार बन जाओगे, तुम्हारे हर जगह चर्चे होंगे। तुम्हें एक डायरेक्टर की आंख ने देखा है,
ये जो आजकल की हीरोइन है ना, ये तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। ये शाहरुख तो क्या, ऐसे लाखों इंसान तेरे चेहरे के दीवाने होंगे। राहों में जिंदगी की हो
होने लगा अंधेरा, फुरकत की बेबसी ने डाला है दिल पे डेरा। खुशियाँ मिली थी एक पल, खुशियाँ मिली थी एक पल, गम सारी जिंदगी का अशकों में ढल गया है। नगमा मेरी खुशी का साथी बिछड़ गया है, साथी बिछड़ गया है। एक पल में जिंदगी का अशकों में ढल गया है। नगमा मेरी खुशी का या खैर डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक तो है ना? आप बेहतर हैं, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। मैंने नींद का इंजेक्शन लगा दिया है, लेकिन लेकिन क्या डॉक्टर साहब? आपके बेटे को सीवियर हार्ट अटैक हुआ है, हर वक्त ट्रीटमेंट देने की वजह से इनकी जान तो बच गई, लेकिन याद रखें दूसरा अटैक इनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। अब मैं चलता हूं, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सुख का साया रहे हमेशा मेरी दिनों से आपको इसी हालत में देख रहा हूं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, अब सब ठीक है। सर मुंह फिर लेने से दिल पर लगे हुए जख्म नहीं छुप सकेंगे, मुझे आपके बारे में सब कुछ मालूम हो चुका है। क्या मालूम हो चुका है? कोमल साहबा की जुदाई के अंगारे आपके दिल पर सुलगते हुए देख रहा हूं। जिन लोगों ने आपके घर को आग लगाई मैं उनके इरादे जलाकर राख कर दूंगा। तुम ऐसा हरगिज नहीं करोगे, ये मेरे नसीब का फैसला है। और ये मेरा फैसला है, कोमल साहब को आपकी जिंदगी में जरूर वापस लाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी की तकदीर से क्यों ना लड़ना पड़े। तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत है? क्या आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी माप का दोष सीने पर सजाए, इस दुनिया से रुसर हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपकी मासूम फूल सी बेटी आपकी शफकत के साए से महरूम हो जाए? अरे कितने अरमान सजाए होंगे आपने अपनी बहन के लिए,
उसके अरमानों का गला अपने ही हाथों से घोट देना चाहते हैं आप। बस करो हनी, बस करो। तो फिर आपको एक वादा करना होगा सर। ऐसा वादा? कि आप इस मिशन में मेरा साथ जरूर देंगे। ठीक है, तुम जैसे चाहोगे वैसा ही होगा। थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। फिर मेरे बादशाह, विलन पार्टी ने हीरोइन को घेरा हुआ है। यह डिमांड है, विलन हीरोइन की इज्जत लूट रहा है। तो इतने में मैं दिखाता हूं कि विलन और हीरो दोनों की आपस में खूब फाइट। विलन जख्मी होकर खून से भरा हुआ गिरा है। आय हाय हाय हाय, तो कट करके मेरा जोन जो हीरोइन पर गया तो वो उसे प्यार भरी नजरों से देख रही है। आहा, तो कट में दिखा रहा हूं कि हीरो भी उसे प्यार से देख रहा है। वो दोनों आगे बढ़े, एक दूसरे के साथ जफ्फी डाली, बड़ी मजबूत जफ्फी, मोहब्बत की जफ्फी। हाय हाय, चश्मे बद्दूर, वाह क्या निखार है, क्या जवानी है। वही कद, वही आंखें, वही चेहरा। मुझे अपनी फिल्म में ऐसी ही हीरो की तलाश थी। ये सिर्फ फिल्म डायरेक्टर की आंख ही देख सकती है। लगता है तुम्हें फिल्मों में काम करने का शौक ही हमारे दर तक खींच कर ले आया है। लेकिन मेरे बादशाह, फिल्मी दुनिया में नाम कमाने के लिए रुपया पैसा खर्च होता है, क्यों कोमल जी? जी जी बिल्कुल। चीमा साहब, रुपये पैसे की फिक्र मत कीजिएगा, जितना भी पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरे बादशाह, बैठे बैठे तशी सके। आपने अपना तारुफ नहीं करवाया। मुझे हनी कहते हैं। ये हमारी हीरोइन है, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मर और डांसर। आपकी और इनकी जोड़ी खूब हिट साबित होगी। ठीक है, लेकिन मेरी शर्त है। हाँ हाँ बोलिए ना हनी साहब। फिल्म की कहानी मेरी और डायरेक्शन आपकी होगी। ये भी ठीक है। ये ले, ये सब्जेक्ट बंद और आपके सब्जेक्ट पर काम शुरू होगा। ओके, फिल्म की कहानी पर जल्द से जल्द काम होना चाहिए। लेकिन हनी साहब, हमारी फिल्म मेकिंग के कुछ असूल हैं। हम हर नए आने वाले आर्टिस्ट का स्क्रीन टेस्ट लेते हैं। मेरे पास कुछ तस्वीरें मौजूद हैं, शायद इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। वाह, ये मामला तो तय हुआ। लेकिन शूटिंग का आगाज हम गाने से ही करेंगे, क्योंकि हमारे पास हीरो भी है और हीरोइन भी। ओके, तो फिर आप शूटिंग का शेड्यूल बनाकर मुझे इतला कर दीजिएगा। ये लीजिए मेरा कार्ड। थैंक यू, थैंक यू, खुदा हाफिज। भैया ये मेरा दुश्मन है। दुश्मन? हाँ भैया, ये वही हनी है जिसने मुझसे मेरी मोहब्बत छीनी और मुझे कॉलेज से भी निकलवाया था। मगर अब मैं उसे दुनिया से निकाल दूंगा। मगर भैया, वक्त का इंतजार करो। हनी तो झोंपड़ी में रहने वाला एक गरीब लड़का था, उसके पास इतनी सारी दौलत कहां से आ गई? सुना है हिना के भाई ने उसे अपनी फर्म में
मैनेजर रखा है। ये उसी की चाल लगती है। तुम शूटिंग की तैयारी करो। ये दौलत तो क्या, मैं उसकी जिंदगी छीन लूंगा। मुझे कल हनी और कॉमल का गाना दो, पिक्चराइज कर लेने दे।
वाह, जवाब नहीं हीरो मियां, अब तो तुम्हारे और कोमल के जगह जगह चर्चे होंगे मेरे बादशाह। देखा। चलो आ जाओ। मम्मी पापा भी ऑफिस से नहीं आए? नहीं अभी नहीं आए, आते ही होंगे। अनी साहब आप मेरे कमरे में तशरीफ लाएं। आइए मिस्टर हनी। जी हुकुम सर। देखिए कल वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। जी। आपको उसे अटेंड करना है। जी बेहतर सर। और हाँ, मुझे याद आया कि आज तक आपने हमारी मुलाकात अपनी मम्मी जान से नहीं करवाई। जब आप हुक्म करें। जब नहीं बल्कि आज शाम को मैं और मेरी मम्मी आपके घर आएंगे। ठीक है सर, अब मैं जाना चाहूंगा। ओके थैंक यू। आए 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 बिस्मिल्लाह। आए आए। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम काजल है। और यहाँ काम करने से पहले क्या करते थे? पहले मैं कुत्तों का डांस मास्टर था। धिनकतका कुरलम। बस बस आए। आइए बहन आइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तशरीफ रखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काजल जी जाकर जल्दी से चाय बना कर लो। अच्छा जी। और हमें से कहना कि शारोज और उनकी वालदा आए। मैं यूं गया यूं वापस आया। दयाना गुरदाना झोरा नाम। बड़ी मेहरबानी। अरे जीते रहो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हनी आपकी बहुत तारीफें करता है। आप लोगों के हम पर बहुत एहसानात हैं। आज हम जो कुछ भी हैं सिर्फ आपकी मेहरबानियों की वजह से हैं। नहीं बहन, ये इसकी मेहनत और सच्चाई का फल है। हनी वाकई बहुत अच्छा लड़का है और हम चाहते हैं कि अपनी बेटी का हाथ आपके बेटे के हाथ में दे दे। अगर आपको इतराज ना हो तो। इतराज कैसा? आपकी बेटी हमारे घर की बहू बने, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? तो फिर ठीक है बहन, आप मंगनी की तैयारियां शुरू करें। मगर माँ, मेरे मौसम के आंगन में बर्बादियों के अंधेरे और मैं अपने घर के चिराग रोशन कर लूं? देखो हनी, मेरी बहन की खुशियों में मेरे गम की दीवार को हायल मत करना, इसलिए कि वो हमारी बहुत लाडली है। ठीक है सर, जैसा आप कहेंगे वैसे ही होगा। आइए ना, बैठ बैठिए। आओ बेटा बैठो। अरे भाई कहाँ हमारी बेटी है ना? वो आ गई। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। तुसी इधर आ जाओ। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी बेटी। मेरा ख्याल है अब रस्म अदा की जाए। कैसे आपकी मर्जी। ये लो हनी बेटा, हिना को अंगूठी पहनाओ। नहीं करनी।
मैं जानता हूं ये सब कुछ तूने क्यों किया है और किस लिए किया है। मेरी खुशियों के लिए ना इस मासूम की जिंदगी को संवारने के लिए ना। देखना तू अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करती है। इस मासूम की जिंदगी को संवारने का फर्ज बनता है उस औरत का जो इसकी मां है, इसकी असल मां। तू फिक्र मत करे ना, मैं इसे एक अच्छे से बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाऊंगा जहां ये पढ़ लिख कर एक अच्छी सी लड़की बनेगी। ला दे दे इसे मुझे ना। नहीं भैया नहीं, मेरी मुन्नी को मुझसे जुदा मत करो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं मुन्नी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। मुझे फख्र है अपने खानदान पर जिसमें तेरी जैसी लड़की पैदा हुई है। हेलो, हनी स्पीकिंग। हनी साहब, मेरे बादशाह, हमने शूटिंग का शेड्यूल मुकम्मल कर लिया है, आप रकम जल्दी भिजवाएं। एक तो हमारी फिल्म पहले ही 2-3 साल लेट हो चुकी है और ऊपर से डिस्ट्रीब्यूटर्स का बहुत प्रेशर है। एग्रीमेंट के मुताबिक वो फिल्म जल्द से जल्द मांग रहा है। हीरो मियां, मेरे बादशाह, जब आप सीन करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रेजेडी सीन क्या होता है। ठीक है, मैं आपको रकम भिजवा रहा हूं, आप इस तरह करें कि ट्रेजेडी वाले सीन का सेट लगवा लें। ओके। जी मां साहब, मैं तैयार हूं। हम कैमरा आपसे ओपन करते हैं। क्या आप एक शादीशुदा और एक बच्ची की मां हैं? तो आपको शौक है सुपरस्टार बनने का, तो इसी शौक की वजह से आपने अपनी बेटी और खामद को नजरअंदाज करके अपनी सास के सर की चादर अपने पांव तले रौंद दी है और अपनी मासूम सी बच्ची की मोहब्बत को अपने शौक पर कुर्बान कर दे रहा है। क्या ख्याल है हीरो साहब? यू आर राइट। वाह वाह, आपने अपनी बच्ची रोती चिल्लाती इसी तरह छोड़नी है। मेरे बादशाह, मेरे सीन में एक ममता की पुकार नजर आए, यही मेरे सीन की डिमांड है। एक करें कौमिल, एक करें। नहीं चीमा साहब, मैं ये सीन नहीं कर सकती। कौमिल, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया है? इसलिए कि आप एक डायरेक्टर हैं और मैं एक माँ भी हूं। मैं ये सीन नहीं कर सकती। लगता है कि वाइंड अप का सीन मुझे फिल्माना ही पड़ेगा जो बहुत भयानक होगा। मेरे बादशाह, कौमिल, तुमने शूटिंग से इनकार करके अच्छा नहीं किया। मालूम है तुम्हें कि तुम्हारे इनकार से मुझे कितना नुकसान हुआ है।
तुम तो जानते हो चीमा, आज वाला सीन मेरी गुजरी हुई जिंदगी की अकासी कर रहा था और मुझसे ही सब कुछ नहीं हो रहा था जो सीन की डिमांड था, इसलिए मैंने इनकार कर दिया। चीमा प्लीज, चीमा तुम उसे मेरी सारी दौलत ले लो, अगर प्लीज एक बार मुनी से मिलवा दो। क्यों नहीं, हम अभी आपको आपकी मुन्नी से मिलवाए देते हैं। हेलो, मैं चीमा अर्ज कर रहा हूं। अब क्या चाहते हो इस घर से? शायद तुम भूल रहे हो शारो साहब, अब भी इस घर से हमारा ऐसा रिश्ता है जिसे तुम समझ नहीं पाओगे। तुम कहना क्या चाहते हो? अगर सुनना चाहते हो तो सुनो। तुम्हारे घर में कोमिल अपनी एक ऐसी निशानी छोड़ आई है जिसको हासिल करना उसका कानूनी हक है। अगर तुम इनकार करोगे तो वो कानून के दरवाजे पर दस्तक देगी और फिर तुम्हें मजबूरन उससे हाथ धोने पड़ेंगे। तो वो है मुन्नी। अगर दोबारा तुम्हारी जबान पर मुन्नी का नाम भी आया तो तुम फिर भी कुछ नहीं कर सकोगे। अगर तुम चाहते हो कि ऐसा ना हो तो मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हें मुन्नी की कीमत देना पड़ेगी। ये अल्फाज तुम्हारे हैं या कोमल के? अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम खुद ही बात कर लो। ये लो कोमल, उससे बात करो। हेलो, प्लीज मुझे मेरी मुन्नी वापस कर दो। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम इतनी गिर भी सकती हो। शहरोज, तुम गलत समझ रहे हो। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? आखिर मैं एक माँ हूं। अच्छा, तो तुम माँ भी हो। उस वक्त तुम्हारी ममता कहां थी जब वो तुम्हारे दूध के लिए बिलखती थी? उस वक्त को याद करो कोमल, उस वक्त को जब तुम इसे दोता हुआ छोड़कर चली गई थी। और हाँ, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, अब मेरी बेटी तुम्हारे बगैर रहना सीख चुकी है। सीख चुकी है कोमल। मैं मुन्नी के बगैर नहीं रह सकती। मगर मैं मुन्नी को शारोस, अगर खोना नहीं चाहते तो कल 50 लाख रुपया लेकर चले आओ। और हां, मुन्नी को भी साथ लेते आना ताकि कोमिल अपनी मुन्नी का दीदार तो कर सके, वरना ये तुमने अच्छा नहीं किया चीमा। जो भी मैं करता हूं ठीक करता हूं। तुम्हें मुन्नी की जरूरत है, मुझे दौलत की। तुम इंसान नहीं, इंसान के रूप में शैतान हो, शैतान। मगर तुम्हें मेरे शैतानी इशारों पर चलना होगा, वरना कल का सूरज तुम्हारी मुन्नी के खून की लाली से गर्म हो जाएगा। बहुत प्यारे लगते हैं वो लोग मुझे जो चीमा की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। आ गए मेरे दोस्त, लगता है बेटी के साथ साथ तुम रुपया भी जरूर लाए हो। हाँ, मगर कोमल कहाँ है? अरे कोमिल भी यही मौजूद है, अभी बुलाता हूँ। अभी कोमिल, अरे कोमिल आकर देख बाहर कौन आया है। Thank you.
क्या दौलत और शोहरत के नशे ने तुम्हें अपने रिश्तों की पहचान भी भुला दी है? अपनी औलाद को दौलत के तराजू में तोलने वाली बेहिस औरत, तुम औरत नहीं, तुम औरत नहीं बल्कि औरत के नाम पर एक धब्बा हो। बोलो कितनी दौलत चाहिए तुम्हें, कितनी कीमत लगाना चाहती हो इस मासूम की जिंदगी की, कितनी कीमत लगाना चाहती हो इस मासूम की? 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, बोलो जाओ। बस करो शहरों, बस करो, तुम मुझे समझने की कोशिश कर। बेगम साहिबा, हम भी इस घर के पुराने नमकखार हैं, अगर आप इजाजत दें तो हम कोई बात कर सकते हैं। क्यों नहीं, आपको क्या कहना चाहते? छोटे साहब, कोमल साहिबा को वापस क्यों नहीं ले आते? अब तो माशाल्लाह मुन्नी भी समझदार हो गई है। चलो जल्दी चलो, देर हो रही है ना। मम्मी मम्मी, मैं मुन्नी को लेकर बाहर जा रही हूँ। अरे मेरा बेटा कहाँ जा रहा है? मम्मी के साथ खेलने जा रही हूँ। मम्मी के साथ खेलने जा रहा है? जी। जाओ बेटा, आ जाओ, है ना, जरा जल्दी आ जाना और ख्याल रखना। जी ठीक, चलो चलो। परेशानी है भाई, क्या हुआ है ना? भैया मनी का कुछ पता नहीं चल रहा, ना जाने कहाँ खो गई है। ये तुम क्या कह रही हो ना? हाँ भैया मैं सच कह रही हूँ। हेलो पुलिस स्टेशन। जी पुलिस स्टेशन। देखिए आपको कोई गुमशुदा बच्ची तो नहीं मिली? जी नहीं, कोई बच्ची नहीं मिली। हेलो जी, ना स्पीकिंग। मेरी बेटी गुम हो गई है, कहीं ये जलील हरकत तुमने तो नहीं की? अगर मुन्नी हमें मिल गई शारोज तो
मेरे लिए ब्लैंक चेक है। हम कितनी रकम चाहेंगे? कैश करा लेंगे। यू शट अप। मैं एक डायरेक्टर हूं, काम लेना जानता। तू ना बोल, ना बोल। अब इस सोने के अंडे देने वाली मुर्गी ने अंडे देने बंद कर दिए। आज एक डायरेक्टर इसके साथ कुकड़ू को करेगा, कुकड़ू को करूंगा। तुम ये क्या हरकत कर रहे हो? ये भी हमारी फिल्म का एक सीन ही समझो। तुम पागल हो गए हो? क्यों ना बचा, मैं तुम्हें टॉप की हीरोइन बना दूंगा, हीरोइन बना दूंगा। छोड़ दो मुझे। किसको मिलना है आपने? चीमा साहब घर पर हैं? चीमा साहब घर पे नहीं है हनी साहब। ठीक है, अगर चीमा साहब आए तो नहीं कहेगा कि हनी आया था। ओके। ये आवाज किसकी है? कोमल का है। मैं बताता हूँ तुझे। ये आवाज किसकी है? मेरा भाई किसी लड़की को फिल्म की हीरोइन बना रहा है। कोमल, छोड़ दो। ले जाओ उस कुत्ते को। प्यारे लगते हैं वो लोग मुझे जो चीमा की आंखों में आए आंखें डालकर बात करते हैं।
मिल गई तुझे वो इज्जत जिसके लिए माँ के आंचल को तूने अपने कदमों तले रोन डाला। क्या मिल गया तुझे वो मकान जिसके लिए अपने जन्नत जैसे घर को छोड़ा और अपनी औलाद को तूने माँ की ममता से महरूम कर दिया। क्या मिल गई तुझे वो शोहरत जिसके लिए तूने प्यार करने वाले शोहर के बनाए हुए मोहब्बतों के महल को ठोकर मारकर गिरा डाला। आज तेरी वजह से इल्जाम है औरत पर बेवफाई का। अब अपने माथे पर बदनामी का दाग सजाकर कैसे जी सकोगी? क्या ये मौशरा तुझे कबूल कर लेगा? क्या वो छोड़ा हुआ घर तुझे कबूल कर लेगा? नहीं, नहीं, कभी नहीं। अब तुझे जीने का कोई हक नहीं। मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। सकता है और यही होगा। हाँ, शायद तुम लोग नहीं जानते ये मेरी बेटी है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। और एक माँ अपने जिगर को तुम जैसे कुत्तों के हवाले कैसे कर दे? कुत्ते हड्डी नहीं छोड़ते, इसे कैसे छोड़ सकते हैं?
छीन लो इस बच्ची को। नहीं, छोड़ो, छोड़ो मेरी बच्ची को, छोड़ो मेरी बच्ची को, मेरी बच्ची, नहीं, छोड़ो मेरी बच्ची। हेलो, हेलो, पहचाना मुझे? कौन हो तुम? हिना, गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं, अगर मुन्नी की जिंदगी चाहती हो तो। नहीं, खंगरी कोट खंडराज चली आओ, वरना मुन्नी की लाश। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तुम मुन्नी को कुछ नहीं कह सकते। मुझे यकीन था तुम मुन्नी की तरफ में यहां जरूर पहुंचोगी। मुन्नी के साथ अपने इस प्रेमी को भी देख लो। मम्मी। हिना, तुम यहां क्यों आई हो? यहां से चली जाओ, मैं इन कुत्तों से खुद ही निपट लूंगा। चिल्लाओ मत, आज सिर्फ तुम फरियाद कर सकते हो, आज तुम्हें मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकेगा। मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। आज मेरे साथ साथियों की तादाद बहुत ज्यादा है। तुम इंसान नहीं, हैवान हो, हैवान। ये हैवान तुम्हारे लिए इंसान बन सकता है इनाम, बस तुम हनी की मोहब्बत को दिल से निकाल कर मेरी मोहब्बत का इकरार कर लो और हमेशा के लिए मेरी हो जाओ। आसमान जमीन पर झुक सकता है, सितारे टूटकर जमीन पर गिर सकते हैं, इस जिस्म से रूह तो निकल सकती है, मगर हनी की मोहब्बत नहीं। इसका फैसला भी हो जाएगा। रुको राजू। मम्मी मुझे चलो। राजू रुको इसे। मम्मी मुझे चलो। इससे पहले कि दोनों को आग भस्म कर दे, इन दोनों में से एक को बचा लो। फिक्र मत करो, मुन्नी को बचाओ। मुन्नी को बचाकर तुमने बहुत अच्छा किया है ना, अब तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा आशिक तड़प तड़प कर जान दे देगा। हनी की तरफ बढ़ते हुए कदमों को रोक लो है ना, वरना मुन्नी की खोपड़ी उड़ा दूंगा। एक साथ जीने नहीं देते, एक तक मरने तो दो। मरेगा वो, एक साथ जिएंगे हम। परसों से लगी साथ को सीने से लगकर ठंडा कर दो। इस बच्ची को तो छोड़। जंग का मैदान हो,
या मोहब्बत का, दोनों जोरे बाजू से जीते जाते हैं। पकड़ो गन। मारो इस कुत्ते को मेरी आंखों के सामने, मारो इस कुत्ते को। तेरा भाई चीमा की आंखों में आंखें डालकर बात करता था। राजू मेरी आंखों के सामने इसका वो हशर करो, इसके भाई की आंखें मेरे जूतों से ऊंची ना हो सके। पकड़ो इसे। चिंताओं में आप अरे तू क्यों रो रही है? तू तो चुप कर जा, बहुत दौलत है तेरे बाप के पास, वो दौलत हमें देकर तुझे ले जाएगा, ले जाएगा। बहुत में आज जाने मन मेरी जिंदगी में लगाई थी, आज उन्हीं शोलों में जलकर तू भी राख हो जाएगा हरामजादे। को नहीं मारा, मेरी जिंदगी छीन ली है, मेरी जिंदगी, तुम में से एक भी नहीं बचेगा। कोमल, कोमल,
बड़ा मुजरिम है और सजा भी नहीं दूंगी। नहीं कोमल, नहीं, रुक जाओ कोमल। नहीं कोमल, नहीं, बहुत प्यारे लगते हैं वो लोग मुझे जो चीमा की आंखों में आंखें। इसे बुलवा दो। क्यों नहीं कोमल, क्यों नहीं, वो नहीं, तेरा आशिक हूँ। कोमल, 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 तेरा